स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे इंटर आइटम कंसिस्टेंसी के जो, को चेक करने के लिए जो हम मैयर यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में जिसका नाम है क्रॉन बैक अल्फा क्रॉन बैक अल्फा इज़ अ मैयर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी दैट इज़ हाउ क्लोजली रिलेटेड आ सेट ऑफ आइटम्स आर एज अ ग्रूप क्रॉन बैक अल्फा इज कम्प्यूटेड फॉर द स्केल जब हम कोई भी वेरिएबल अपनी स्टडी में उसको मैयर करते हैं तो उसके लिए हम जो है एक स्केल लेते हैं जैसे कि हमने अगर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी को मैर करना है तो उसके लिए एक बड़ा रिनाउंस स्केल है डैस ट्वेंटी वन उसकी ट्वेंटी वन आइटम्स है तो जो क्रोनबैक बैक अल्फा है वो एक्चुअली स्केल लेवल का एक मैर है जो कि उस ओवरऑल स्केल की एक वैल्यू कंप्यूट करता है यानी कि 21 वन आइटम्स एज अ स्केल जो है उनकी कंसिस्टेंसी क्या है उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है अगर हम कंप्यूट करेंगे उसके लिए क्रॉन बैक अल्फ़ा तो वो ओवरऑल 21 वन आइटम्स के लिए कंप्यूट होगा और उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो जो डैस ट्वेंटी वन जिसको हमने अपनी स्टडी में यूज़ किया है वो हमारी स्टडी के लिए रिलायबल है या नहीं है तो इसकी और एक एग्ज़ाम्पल है जैसे रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल है उसमें दस आइटम्स हैं तो ये क्रॉन बैक अल्फा उन ओवरऑल टेन आइटम्स के लिए यूज़ होगा इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल है उसमें फोर्टी वन आइटम्स हैं और फोर फैक्टर्स हैं या फोर सब कॉन्स्ट्रैक्ट्स हैं तो इस इस सिचुएशन में हम ओवरऑल स्केल के लिए भी क्रॉन अल्फा कंप्यूट कर सकते हैं और सब कॉन्सट्रैक्ट जो उसके फोर फैक्टर्स हैं ऑकोपेशन मूड मोडिफिकेशन रिलेप एंड कॉन्फ्लिक्ट इन चार सब कॉन्स्ट्रक्ट्स के लिए भी क्रॉन बैक हल्ल्फा कम्प्यूट कर सकते हैं क्रॉन बैक हल्फा जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो टू वन के दरमियान हम कम्प्यूट करते हैं हाँ इसका एक स्टिस्टिकल फॉर्मूला है और इसको हम एस पी एस एस में भी कम्प्यूट कर लेते हैं और जो है आप अगर देखें कि भी अगर इसकी वैल्यू पॉइंट नाइन से अबव है तो हम ये कहते हैं कि आपका स्केल जो है उसकी रिलायबिलिटी वेरी गुड है और अगर इसकी वैल्यू पॉइंट एट से पॉइंट नाइन के दरमियान है देन वी बिलीव दैट योर स्केल हैज़ अ गुड रिलायबिलिटी और अगर इसकी वैल्यू जो है पॉइंट सेवन से पॉइंट एट के दरमियान है तो इसको हम एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी कहते हैं यानी इट्स एक्सेप्टेबल बट नॉट गुड और अगर इसकी रिलायबिलिटी पॉइंट सेवन से कम है और पॉइंट सेवन से पॉइंट सिक्स के दरमियान है तो हम इसको नॉट एक्सेप्टेबल बट कंसिडरेबल यानी इसके बारे में डाउटफुल होते हैं और फिर इसके लिए हमें फिर इसका फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है जो कि हम जब अपना क्वान्टिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे कि कैसे एक स्केल की रिलायबिलिटी को हम बेहतर कर सकते हैं अगर इसकी रिलायबिलिटी पॉइंट सिक्स से कम है तो हम उसको बैड रिलायबिलिटी कंसिडर करते हैं और वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती और पॉइंट uh, फाइव से अगर कम है तो वो टोटली totally हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो ओवरऑल जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं तो पहला काम हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने से यानी उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने से पहले उन स्केल्स की रिलायबिलिटी को चेक करना होता है और यूजुअली हम इस रिलायबिलिटी को चेक करते हैं थ्रू क्रोन बैक अल्फ़ा